तूड़ी डालने की मशीन है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपको सरसों का तूड़ा जो होता है, अपने ग्वार का नीरा होता है और मूंग का नीरा होता है, उससे मैं लकड़ी बनते हुए आपको दिखा रहा हूँ। पीछे लकड़ी बन रही है और हमारे साथ प्रदीप भाई हैं सुरपुरा गांव से, तो प्रदीप भाई से पूरी जानकारी लेंगे ये कैसे तैयार की जा रही है और क्या सिस्टम होता है इसका और क्या बचत है इसमें और कितने रुपए लगते हैं। राम राम प्रदीप भाई। राम राम भाई। प्रदीप भाई, जो आपने सिस्टम लगाया है जी भाई, एक तो ये भाई आकर्षण का केंद्र है कि आपने आजू बाजू अब नहीं दिखाई दे, जब पहली बार आपने लगाया था यहाँ पे, अब तो ये होती जा रही है, तो ये कितना रुपया खर्च होगा इसके ऊपर और जो साथी नया बनाना चाहो है उन आपके कहूंगा। नए में कोई फायदा को नहीं भाई साहब, अगर किसके पास 4-5 करोड़ रुपए घर के कोई और धंधा नहीं है तो ये कर सका है। अच्छा, फिर वो कर सका है। हाँ। नया बनाना भाई पूंजी घर के होनी चाहिए। पूंजी घर के हो भाई, ऐसा नहीं हो जाए कि बैंक पे लोन ले ले और ना ना भाई ना, ऐसा कोई प्रॉफिट वाला को नहीं भाई साहब। इसके ऊपर कितना रुपया खर्च हो गया आपका? खर्चा तो भाई साहब आपने तो लग गया था इसमें 3.5 करोड़ रुपया। और इसमें प्रॉफिट कितना हो गया आपने? प्रॉफिट ये 10-20 रुपया क्विंटल का। और वो तो और उसके ऊपर समय बर्बाद है। समय बर्बाद है, समय समय का समय समय का भाव है, भाव ऊपर नीचे होता है। तो ये इसको जो आपने जो तैयार किया है, जो माल तैयार किया है, ये अपना हरियाणा में बेचो या उत्तर प्रदेश गुजरात कहीं और? जो उत्तर प्रदेश में जा, अपना हरियाणा में। तो कितना माल तैयार कर दो एक साल में आप? एक साल में मान के चलो भाई साहब एक मशीन 20-25 हजार क्विंटल। कई बार क्यों भाई, जो मशीन चलती देखी और किसान जो साथी है, जो किसान है या और है, बिना सोचे बिजनेस में आ जाओ, उनका क्या कहना चाहो? ना ये भूल है भाई साहब, बिना सोचे समझे। जो तूड़ी का निजास के है और जो खेती किसानी की डाल धूड़ में रह सके वो आदमी काम कर, वो आदमी काम कर सके। धन्यवाद भाई, प्रदीप भाई था सुरपुरा गांव को, फेंक बात ने जो इजी सी थी ना उसी बता दी था हमने। तो जुड़े रहो और फॉलो शेयर सब्सक्राइब कर दो।